फ्रेंड्स कोकोनट ट्री बनाना। ड्रॉ कीजिए, बहुत लाइटली ड्रॉ कीजिएगा। ब्राउन कलर की स्टैम्प। अब मैं इसकी लिप बना रही हूँ। मैंने एंकल ब्रश यूज किया है। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। ब्रश को बहुत हल्के हाथ से चलाना है आपको। ऐसे ही ब्रश को हल्के हाथ से पकड़कर लीफ के शेप देते हुए आप अपनी पेंटिंग कंप्लीट कीजिए। जब भी आप कोई लीफ ट्री बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2-3 कलर शेड्स जरूर यूज कीजिए, जैसे लेमन येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन। ये सभी कलर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और सारे ब्रश भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। एंकल ब्रश भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नहीं तो मार्केट में जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। आप मेरी YouTube चैनल पे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट उसमें वही वीडियो बनाऊंगी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, ट्री बनाना सिखाइए। तो नेक्स्ट में कुछ वीडियोस में ट्री एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, उसके लिए मैं आपको कम से कम 3-4 वीडियोस बनाऊंगी, बनाकर अपलोड करूंगी। आप उसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। कोकोनट ट्री वैसे तो बहुत इजी होता है, हम जब छोटे थे तब से ही स्कूल टाइम से ही बनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्वेरीज थी
जो अभी बिगनर्स हैं और कुछ छोटे आर्टिस्ट जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सेंटर में डेप्थ के लिए हम थोड़ा डार्क कलर लगाएंगे। ये मैं जीरो ब्रश के साथ आपको ट्री बनाना बता रही हूँ। कभी कभी कुछ आर्टिस्टों के पास एंकल ब्रश नहीं मिल पाता है, तो मैं इसीलिए आपको जीरो ब्रश से करना बता रही हूँ। अगर आपके पास एंकल ब्रश नहीं है तो आप जीरो ब्रश से भी पेंटिंग कर सकते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।